गरीब वर्सेस अमीर का डॉल हाउस। बिलासपुर में विष्णु नाम का एक वकील रहता था। उसके दो बच्चे थे, विनय और मिन्नू। उसके घर के सामने ही एक झोपड़ी में सुखामा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके भी दो बच्चे थे, चिंटू और चिक्कू। सुखामा विष्णु के घर में खाना पकाती थी। एक दिन सुखामा अपने दोनों बच्चों से, बेटा चिंटू और चिंकू, तुम दोनों आज बिना लड़ाई किए आराम से खेलते रहो। आज वकील साहब के घर में बहुत काम है। आज उनके बच्चे विजय और वीनू का जन्मदिन है। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। उन सबके लिए खाना बनाना होगा। ये क्या माँ, उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन कैसे माँ? क्या वे दोनों जुड़वे है? क्या वे दोनों एक ही दिन पैदा हुए? नहीं बेटा, वो दोनों एक ही महीने और एक ही तारीख को पैदा हुए, लेकिन साल अलग अलग है। लेकिन वो अमीर लोग है ना, इसीलिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। माँ, तो इस बार मेरा और भैया का जन्मदिन सबको बुलाकर एक साथ ही सेलिब्रेट करो माँ। लेकिन बेटे चिकू, अगर ऐसा करना हो तो हमारे पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए। लेकिन माँ के पास इतने पैसे नहीं है ना बेटे। माँ ने पढ़ाई नहीं की ना बेटे, इसीलिए घर घर में काम करना पड़ता है। अगर मैं भी पढ़ लिख कर लेती तो अच्छा नौकरी करके खूब पैसा कमाती बेटा, तब तुम जो भी मांगते मैं तुम्हें दे देती। कोई बात नहीं माँ, तुम पढ़ाई नहीं कर पाई ये सोच कर दुखी ना हो माँ, भैया और मैं खूब पढ़ाई करेंगे। अरे तू मेरी लाडली बेटी है, ठीक है बेटा, तुम लोग मन लगा कर पढ़ाई करो, उसके बाद सो जाओ, मैं काम पर जाती हूँ। माँ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे और एक कोने में खड़े होकर उनका बर्थडे सेलिब्रेशंस देखेंगे माँ। नहीं बेटे चिंटू, वो हम जैसे गरीबों को उनके घर नहीं आने देंगे बेटा, वो तो हमें घर के अंदर दाखिल भी नहीं होने देंगे। पर उन्होंने तुम्हें तो बुलाया है ना माँ, तुम भी तो गरीब हो, तो फिर तुम्हें कैसे आने देंगे माँ? अरे मेरी प्यारी चिकू, वो मुझे काम करने के लिए बुला रहे हैं, उन सबके लिए खाना बनाने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, ये सब बातें छोड़ो और तुम लोग ध्यान से रहो, मैं काम पर जाती हूँ। कहकर वो वकील के घर काम करने चली गई। सुकोमा के जाते ही चिंटू, चिकू चिकू दीवार के पास जाकर छुपकर खड़े रहते हैं और ये देखते हैं कि उन दोनों को क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं। नहीं भैया, हम दोनों मन लगा कर पढ़ते हैं, माँ की बात सुनते हैं भैया। तब चिंटू ने ठीक है कहा। फिर दोनों ने थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर आराम से सो गए। अगले दिन विनय और मिन्नू एक नया डॉल हाउस के साथ दीवार के उस ओर खेल रहे थे। उसे देखकर चिक्कू, हे विनय मीनू, ये डॉल हाउस है, तुम्हें ये कल गिफ्ट मिला है। अरे ये डॉल हाउस तो बहुत बढ़िया है, मैं और मेरा भाई थोड़ी देर इसके साथ खेल सकते हैं प्लीज? नहीं चिक्कू, नो, ये बहुत महंगा खिलौना है, तुम इसकी वैल्यू नहीं जानती, तुम खराब कर दोगी, माँ कहती है इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहिए, बस तुम दूर से ही देखती रहो काफी है। विनय विनय प्लीज विनय, भैया को खिलौना बहुत पसंद है विनय, कल रात भर भैया यही सोचता रहा कि तुम लोगों को क्या गिफ्ट्स मिले होंगे और उसी के बारे में बात कर रहा था। एक बार वो डॉल हाउस दे दो ना भैया के लिए प्लीज, थोड़ी देर उसके साथ खेलकर हम उसे लौटा देंगे। तुम लोग के पास और भी बहुत सारे खिलौना होंगे ना, अगर तुमने ये एक खिलौना दे दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? सॉरी चिकू, ये खिलौना मेरी चाची फौरन से लेकर आई है, हम नहीं देंगे। मीनू चलो हम यहाँ से चलते हैं, वरना ये दोनों डॉल हाउस को देखते रहेंगे, चलो चलो अंदर चलते हैं। कहकर अंदर चले गए। पीछे खड़ा चिंटू ये सब देख रहा था। चीकू तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा था ना कि दीवार के पास यूँ खड़े होकर झांकना नहीं चाहिए। ये बात नहीं है भैया, उनको गिफ्ट में डॉल हाउस मिला है, वो बहुत प्यारा है भैया, बढ़िया प्लास्टिक घर में बहुत बड़ा बेडरूम है, उसमें कॉट है, फिर वहाँ डाइनिंग टेबल भी है, छोटे छोटे सोफा, बहुत बढ़िया है भैया। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा भी एक डॉल हाउस हो? हाँ भैया, मुझे भी चाहिए भैया, तुम ला कर दोगे? पर वो कह रहे
है उनकी चाची इसे फौरन से लेकर आई है। तुम इसे कैसे लेकर आओगे भैया? जहाँ चाह वहाँ रहा। तुम्हें एक डॉल हाउस चाहिए यही ना? अब रुको, तुम्हारे लिए मैं एक मिट्टी का बढ़िया डॉल हाउस बना कर देता हूँ और मिट्टी के छोटे छोटे सोफा, छोटे छोटे डाइनिंग टेबल, छोटे छोटे पलंग सब बना कर दूंगा। क्या कर? एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का बना डॉल हाउस बना कर दिया। उसे देखकर चिकू, भैया वाह बहुत सुंदर है अपना ये मिट्टी का बना डॉल हाउस। उनके प्लास्टिक के डॉल हाउस से बहुत बढ़िया है भैया, देखने में बहुत प्यारा है भैया। थैंक्स भैया, ये सब बनाना तुमने कहाँ से सीखा भैया? कहाँ से सीखा, किससे सीखा, कब सीखा? किसी ने मुझे सिखाया नहीं चीकू, हमारी जरूरत ही हमें सिखाती है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बना दिया। ये सब सुनकर सुखामा भाई बहन के प्यार को देखकर बहुत खुश हुई।